नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। राजधानी भोपाल में बंसल न्यूज के बैनर तले पंख एमपी मैराथन 2024 की जा रही है। 42 किलोमीटर की मैराथन में देश और विदेश के करीब 10,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश के पहले सुपर मॉडल और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन के साथ ही भारत में यूएस के कॉन्सुलेट जनरल माइक हैंकी और उनकी पत्नी मेलिसा हैंकी भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दी, जहां पर हाफ मैराथन 21.09 किलोमीटर, तो वहीं ओपन मैराथन 10 किलोमीटर और रन फॉर फन मैराथन जो है वो 6 किलोमीटर की जा रही है। और इसका मकसद जो है वो देश प्रदेश के युवाओं को खेल और फिटनेस के लिए अवेयर करना है। तो उनकी पत्नी भी यहां पर दौड़ती हुई नजर आएंगी कुछ ही देर में। आपको बता दी, पंख मैराथन की शुरुआत 2023 में की गई थी और ये दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है। इस तरह भोपाल शहर में पंख एमपी मैराथन दूसरी बार हो रही है। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं जिस तरह से बंसल न्यूज की ओर से ये दूसरी बार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहली बार 2023 में किया था और अब ये दूसरी बार की तस्वीरें लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं। पंख एमपी मैराथन की ये तस्वीरें, लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा भोपाल भी आज दौड़ते हुए इस मैराथन में नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना भी जुड़ चुकी हैं। रंजना, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो दौड़ है कहां तक जा पहुंची है, अब जो है कितना उत्साह और किस तरह से नजारा? जी साक्षी, आपको तस्वीरें दिखा दें कि लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उत्साहित होकर ही उन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब मैराथन पूरा करके आप देखेंगे कि जो एथलीट हैं वो वापस लौट रहे हैं और जो 41 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के जो चार अलग अलग जो मैराथन हुई थी उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसी जोश और उत्साह के साथ अब जो पूरा जो मैराथन है उसको कम्प्लीट करके अब एक एक करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विनर है या जो उसमें उन्होंने जीत हासिल की है, जो सबसे पहले इस मैराथन को पूरा करके यहाँ पर पहुंचे, उनको यहाँ पर नाम नोट कर लिया है। लेकिन अब तमाम जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पर लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं पूरा जो दौड़ है उसको पूरा करके, और इसके बाद तमाम जो एथलीट्स हैं उनको यहाँ पर जो लोग हैं ढोल धमाकों की थाप पर सबका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा जो मोटिवेट है वो किया जा रहा है ताकि इसी तरह से जो पूरा भोपाल है वो फिट रहने के लिए दौड़ता रहे और दूसरों को भी फिट रहने के लिए जो मोटिवेट है वो करता रहे और सभी सभी को यहाँ पर जो मेडल्स है वो भी पहनाए जा रहे हैं इनके उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि इसी तरह से जो लोग हैं वो इस मैराथन में पार्टिसिपेट करते रहे। और आज तस्वीरों में हमने देखा साक्षी कि सभी को पंख लगे हुए थे और ये जो पंख इसलिए लगे हुए थे क्योंकि आज सभी ने पंख मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और लोग दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और इसी तरह का जो आज मैसेज है राजधानी भोपाल के साथ पूरे प्रदेश भर में भी पहुंचा है आज पंख मैराथन के जरिए। और आप देखेंगे कि सभी को यहाँ पर जो मेडल्स है वो पहनाए जा रहे हैं ताकि जो जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए वो सड़कों पर उतरे, दौड़े, संदेश दिया, उस तरह से जो एक इनकरेजमेंट है उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो मेडल्स उनको पहनाए जा रहे हैं ताकि वो इस तरीके से घर पहुंचे और बहुत ज्यादा जोश और उत्साह के साथ और लोगों को फिट रहने के लिए जो मोटिवेट है वो करें। और आप देखेंगे कि पूरे टीटी नगर स्टेडियम में आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो पूरी तरह से फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिला है, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हर कोई आज दौड़ रहा है सिर्फ फिट रहने के लिए। और बंसल न्यूज के साथ सभी इस पंख मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब बस मैराथन जो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, एक एक करके जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं से बात करेंगे, क्या एज है आपकी? 58, 59. Okay, okay. So it doesn't matter, but कितने किलोमीटर आपने जो रनिंग है वो की है? Sorry, I speak English. Which kilometers in running in marathon? 10K. आप देखेंगे कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो सर पंख मैराथन में आज आपने देखा कि पूरा भोपाल दौड़ता हुआ नजर आया, किस तरीके से आपको लगा कि लोग फिटनेस के लिए लोगों को अवेयर कर? बहुत अच्छा लगा जितना भोपाल का रिस्पांस आया फिटनेस को लेके, और जितने एंथू से इतनी ठंड में भी, आज बहुत ठंड थी कंपैरेटिवली, और जितना बढ़ चढ़ के लोगों ने साथ दिया और भाग लिया, लगभग 10,000 लोग हमने देखे इस मैराथन में भाग लेते हुए। आपने देखा
कहा कि यहाँ पर आज कोई एज ग्रुप का क्राइटेरिया नजर नहीं आया, बच्चे हैं बड़े हैं सभी एक दूसरे के साथ दौड़ते हुए और मोटिवेट करते हुए नजर आए, सबने बस एक ही मैसेज दिया कि फिट रहिए हेल्दी रहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, मेजरली जो ज्यादा एजेड लोग थे वो अपने बेटों को भी बच्चों को साथ लेके आए थे, तो काफी अच्छा लगा सबको देख के। एंड कि सब तक कन्वे हो रहा है, आप लोगों का ये जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। बिल्कुल, इस मैराथन के द्वारा हम यही दर्शाना चाहते थे कि फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो कि साबित भी हुआ, सभी एज ग्रुप के लोग आए और इसमें बढ़ चढ़ के साथ लिया। तो आप देखेंगे कि हर एक एज ग्रुप के और बंसल न्यूज का जो प्रयास था वो पूरी तरह से, बंसल ग्रुप का ये जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल भी हुआ है, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो फॉरनर्स हैं वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है और दौड़ रहे हैं, और अगर जो बहुत बड़ी एज के लोग भी हैं। कितने किलोमीटर रेस आज आपने कंप्लीट की है, मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया था? हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेशन किया था 10 किलोमीटर में, जो सेकंड प्लेस था, और इस बार भी मैंने पार्टिसिपेशन किया। मैं अपने कॉलेज से खेल रही हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। तो आप फर्स्ट, मैंने देखा आप सबसे पहले आए थे, तो आपको लग रहा है कि आज आप सिर्फ विनिंग या जीतने के लिए नहीं आप दौड़ती हैं, सिर्फ आप फिट रहने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आप दौड़ती हैं? ऑब्वियसली बात है, मैं काफी एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा मैराथन के लिए, और मेरे मतलब स्टेडियम में हो रहा है तो मैं काफी एक्साइटेड थी कि मुझे सुबह उठना है, मैराथन भागना है, और काफी लोग मोटिवेट भी होंगे, काफी लोग मुझे देख भी रहे होंगे, तो मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। साक्षी, यहाँ पर लोग जीतने के लिए नहीं या फिर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आने के लिए नहीं दौड़ते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए दौड़ते हैं कि ये जो मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसीलिए आप देखेंगे कि 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं राजधानी भोपाल में, आज जिन्होंने इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया, और इतनी बड़ी संख्या में जो मैसेज है वो हर तरफ पहुंच रहा है, और अब देखेंगे कि साल दर साल ये जो जोश है, ये उत्साह है, और ये जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब जो फिटनेस के लिए जो अवेयरनेस है वो लगातार बढ़ रही है, और इसमें ये जो पंख मैराथन है वो बहुत ज्यादा जो अपना इंपॉर्टेंट रोल है वो भी अदा कर रहा है, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि इसमें हर एज ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर लड़कियां हों, सभी बहुत ज्यादा ठंड के बीच में इस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी को बस जो प्रदेश भर में जो एक ही मैसेज है बिल्कुल रहने के लिए। बिल्कुल रंजना, जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं वो कारगर भी रंजना होते हुए साबित नजर आ रहा है, और अगर हम 2023 की बात करते हैं तो जब बजरंग पूनिया के साथ भी एक अलग तरह का उत्साह देखा गया था, अब लेकिन यहां पर मिलन सोमन जो कि खुद ही फिटनेस आइकन है वो नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रंजना, आपसे लगातार तस्वीरें लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसी पंख को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर महापौर मालती राय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। आज युवा तोड़ाया है, और इसका सीधा क्रेडिट जाता हमारे भाई बंसल ग्रुप के सुनील जी को, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और युवा दौड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, और भोपाल में मैराथन हो रही है, इसका पूरा संदेश पूरे देश में जाएगा। मालती राय ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है कार्यक्रम, और यहां पर एक उद्देश्य जो है वो युवाओं को फिट रखने का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।